विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आज विभिन्न इलाकों में पौधारोपण कार्यक्रम करके पर्यावरण दिवस मनाया गया। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने भी गांव आसलवास HSIDC बावल और रेवाड़ी BJP कार्यालय में पौधे लगाते हुए कहा कि सबको ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। उन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि जिन पौधों को वो लगाते हैं उसकी देखरेख भी करें ताकि वो पौधे बड़े होकर पर्यावरण को बचाने में काम कर सके। इसके साथ ही BJP की तरफ से भी एक अभियान चलाया जा रहा है। इस बार कोरोना के कारण जिन लोगों की मौत हो गई थी, खास तौर पर जिन BJP कार्यकर्ताओं की मौत हुई थी, उनके नाम से अब पौधारोपण अभियान BJP की तरफ से चलाया जा रहा है। जिन वार्ड से जो कार्यकर्ता संबंधित थे उस इलाके में उनके नाम से पौधारोपण किया गया है। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जो पौधारोपण का कार्यक्रम शुरू किया है, और इसके लिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों को विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और पार्टी ने भी जिस तरह से एक इस विश्व पर्यावरण दिवस के साथ जो कोविड के अंदर जिन लोगों की जान गई है, जो हमारे साथी हमें छोड़कर चले गए हैं, उनकी याद में भी पार्टी ने कहा कि उनके नाम से भी पौधा रोपण किया जाए, ताकि जिस तरह से COVID-19 में सेकेंड वेव के अंदर जो ऑक्सीजन की मारामारी रही और ऑक्सीजन की कमी की वजह से बहुत से साथियों की जान चली गई, तो पार्टी ने सोचा कि भाई इसके साथ साथ हम ज़्यादा ज़्यादा अगर पौधारोपण करेंगे तो हमें ऑक्सीजन पर्यावरण भी शुद्धिकरण होगा और ऑक्सीजन की हमें मात्रा ज़्यादा मिलेगी। और पेड़ पौधे तो हमारा जीवन है। जिस तरह से हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, और हमारे लिए जो ऑक्सीजन हमारा जीवन है, पेड़ पौधों से ही ऑक्सीजन मिलती है, तो हमें जहाँ भी मौका मिले ज़्यादा ज़्यादा पौधारोपण करना चाहिए, क्योंकि आजकल जो हमारा पर्यावरण है काफ़ी दूषित हो गया है, और उसका कारण है ऑटोमोबाइल्स हैं, आपकी इंडस्ट्रीज हैं, तो इनकी वजह से जो पर्यावरण हमारा दूषित हुआ है उसको ठीक करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण करना चाहिए। और उसी सिलसिले में ये पूरे प्रदेश के अंदर पार्टी की तरफ से भी और जो विभाग की तरफ से भी ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण किया जा रहा है ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। बस पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो इस कोरोना काल में हमारे बीच नहीं रहे, उनको श्रद्धांजलि स्वरूप उनकी याद में प्रत्येक व्यक्ति जो हमसे बिछड़ गया के लिए एक पौधारोपण करें। और हमने अपने ज़िले में सभी मंडल अध्यक्षों को और सभी मंडलों पे प्रभारी बना करके गांव-गांव भेजे हैं। और इतना ही नहीं, केवल जो हमसे बिछड़ गए उनकी याद के अलावा भी जितने ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण कर सकें, हमने कार्यकर्ताओं से यही अपील की है और यही हमें भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की तरफ से आदेश था। कितने जो है समृति जो लगाए पौधारोपण किया आप लोगों ने? देखिए, वैसे तो हमारे उनके नाम भी अंकित किए हैं साहब जी। वैसे तो हमारे पास 190 की लिस्ट आई थी, तो 190 की लिस्ट में जिस प्रकार जहाँ भी उनके नाम की एक पट्टी लगा कर पौधा रोप के उसके आगे आम की पट्टी लगा दी, लेकिन इसके अलावा जो हमारे वैसे भी चले गए गांव में, जैसे हमने ये कहा है, चाहे कोरोना से न गए हो और वैसे भी हमसे बिछड़ गए, उनकी याद में भी वृक्ष लगा दें तो अच्छा रहेगा। ये प्रोग्राम भी चला है।